सो हम आए थे डिलेजिया और हमने लिया है केक जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट। और यहाँ जब भी हम आते हैं तो मेरे बच्चा जो है ना उसको सब या तो बहुत प्यार करते हैं। देख लें इसको, ये बस रोने नखरे शुरू नानों के घर आते ही। ठंडा मौसम है, अजान हाई कर दो। हाई टू एवरीवन, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो इस वक्त जी शाम का टाइम हो रहा है और कपड़े वगैरह आए थे ड्राई क्लीन से वापस और सारे कपड़े जो है वो हमने रख दिए हैं, कुछ यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जी सो खाने में आज मैंने बड़ी मज़ेदार से हड्डी कुड्डी का सालन बनाया है। सो हड्डी कुड्डी का सालन क्या है कि मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली गोश्त तो हमारे यहाँ ज़्यादा इतना होता है नहीं, क्योंकि मैं गोश्त नहीं खाती हूँ, मतलब कि बीफ और मटन ये सब इतना नहीं खाती, सिर्फ चिकन ही खाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन काशिफ को पसंद है तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये गोश्त और प्लस अच्छी वाली हड्डियाँ हैं तो इनका मैंने जो है वो बड़ा मज़ेदार सा भाई सालन बनाया है। और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर बन रही है हमारी चाय और हम लोग पियेंगे चाय, काशिफ खाएंगे बिरयानी जो कि हमारे नेबर के यहाँ से आई है। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा जाएंगे अजान की नानों के घर पे, कितनी बातें करनी है, गपशप लगानी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये मतलब मुझे तकरीबन आज कोई चौथा दिन है मैं उनके घर पर नहीं गई हूँ। और अजान से मिलने तो ऐसा होता है कि अजान तीन दिन वो लोग आए हैं, एक एक करके कोई ना कोई उससे कोई जाता है, कुछ किसी काम से, पापा कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है तो मिलते हुए जाते हैं अजान से, लेकिन मैं उनके घर पर नहीं गई हूँ। और आपको पता है कि बहनों की जो बातें होती है ना, हमारा ऐसा है कि यार और भाई पूरा दिन हमारा गुजर जाए, रात में मेरा लाजमी होता है एनी से अरसलना से सबसे पूछना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरसलना शूट पे गई थी तो शूट कैसा था, काम कैसा हो रहा है, सारी चीज़ें, तो सब कुछ मैं जो है ना वो पूछती रहती हूँ। तो बस यार ये सारे सीन है, तो जाएंगे गपशप करेंगे, खाना वाना खाते हैं, अजान को उठाते हैं। अजान आराम से इस वक्त सो रहा है और काशिफ गए हैं शावर लेने के लिए, वो आज हमारे साथ हैं एंड देन मिलते हैं, ठीक है। 24 hours later ओके जी। सो फिर उसके बाद हम लोग ने खाना शाना खाया है आज यहाँ पर अजान की नानों के घर पे और मज़ेदार सा खाना खाया है हमने, जिसके अंदर थी टिक्का बोटी और हड्डी गुड्डी का सालन था जो मैंने बनाया था, और यहाँ बहुत ही मज़ेदार मीठा बना है और दो लड़कियों की आपस में लड़ाई हो रही है, सुभान अल्लाह। रुके मैं आप लोगों को मीठा दिखाती हूँ। आएंगे सो ये जो है ना मीठा खाएंगे, और ये हमारा अजान साहब हैं और ये मैं हूँ। यस, सो आप लोगों को पीछे मिरर नज़र आ रहा होगा, ये ओहो मैं किसी दिन आपको पूरा दिखाऊंगी, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें तो बहुत छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है यहाँ पर और बहुत ही प्यारा सा मिरर है। किसी दिन आप लोगों को ना यहाँ का भी मैं रूम टूर और होम टूर दूंगी तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। ओके जी, सो मीठा खाते हैं हम, और आप लोगों को पता है मैं तो सबसे पहले अपने हस्बैंड को ही देती हूँ, ये लें। What? What the f- 24 hours later. Assalamualaikum and welcome to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो गाइस इस वक्त जो है वो शाम का टाइम हो गया, 5:30 बजे होंगे। सो मैंने शावर ले लिया और नाइट सूट वेयर किया बिकॉज के मैं जा रही हूँ अजान की नानों के, और मैं हमेशा तैयार होकर जाती हूँ और थोड़ी देर बाद वहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, इसीलिए मैंने जो है वो नाइट सूट पहन लिया है सुकून वाला। और अजान में आज न्यू सूट पहना हुआ है जो कि इनकी भद्दू खाला यानी कि अरसला खाला ने दिलाया था, और ये आपे से बाहर हो चुके हैं और कह रहे हैं जल्दी चलो क्योंकि जब ये देख लेता है बैग वैग ले लिया है तो जाना होता है। सो चलो हम लोग चलते हैं अजान की नानी के घर पर और कोशिश करेंगे कि अरसला अगर हमें वहाँ मिल गई तो उसके साथ डॉग बनाया जाए। गाइस सो बाहर आ गई हूँ और ये निकाल रहे हैं गाड़ी, काशिफ जाएंगे कहीं काम से और मैं जो है वो यहीं रहूँगी। सो मौसम आज हो रहा है बड़ा अच्छा, शुक्र है इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, हब्स नहीं है, एंड मैं बता नहीं सकती हूँ कि इस नाइट सूट में मैं कितनी ज़्यादा जो है ना वो सुकून महसूस करी हूँ, कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। सो ये नाइट सूट की बड़ी अच्छी स्टोरी है, अरसलना ने दिया था उसको PR पैकेज आया था, तीन नाइट सूट चार आए थे तो हमने कहा दो तुम रखो एक मैं और एक एनी लेंगे। हम लोग पहुंच गए अजान की नानों के घर पे और बड़ी प्यारी कड़ाकेदार सी धूप हो रही है लेकिन ठंडा मौसम है। अजान हाई कर दो। हाई टू एवरीवन, हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय मामास चैनल। कितना प्यारा आ रहा है काशी, देखिए। थैंक यू, आई एम बिल्कुल यहां। हेलो, हाय,
अंदर दे दो, क्या है इसमें। बहुत बहुत मजे का, गुड न्यूज फॉर अस। ओके लव, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, आ जाओ इस पाले को लेके। यार ये काशिफ को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता, एक मिनट नहीं छोड़ सकता, ऐसा क्यों है यार। ये देखो ये काशिफ का चमचा हो गया है। इसके बाद मैं घर आई तो असर की नमाज़ का टाइम हो गया था और यहाँ मैंने असर की नमाज़ पढ़ी है और बस दुआ है कि सब खुश रहें, आमीन सुम्मा आमीन। A few hours later, देख लें इसको, ये बस रोने नखरे शुरू नानों के घर आते ही। क्या हुआ मेरे बेटे को, जाओ भद्दो खाला ले रही है। सो गाइस हमने खाना शाना, ओफ अल्लाह, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। भी मुझसे खाता है, फिर इसने आना भी मेरे पास ही है। सो मैंने जो है ना, अच्छा आ जाओ, असल में ये इसलिए रो रहे हैं कि मैंने इस वक्त खाना खाया है हलीम, बहुत ही ज्यादा मजेदार था। ये रो इसलिए रहे हैं कि इनको कोल्ड ड्रिंक दो, ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक के हो गए हैं दीवाने, इनको कोल्ड ड्रिंक का पता चल गया है और इनको इतना ज्यादा जो है ना मना किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद, अई मेरा बच्चा, का हुआ बताओ तो मम्मा को, कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं सकते हो आप चाहे रो लो, रोना हमें आपका बर्दाश्त है, लेकिन हम आपको ना कोल्ड ड्रिंक नहीं दे सकते। बहुत ज़िद्दी बच्चा बना दिया है काशिफ ने, बहुत ज़िद्दी बच्चा यार, मतलब मैं बिल्कुल भी ऐसी जो है ना हक में नहीं हूँ, मैं इसको डांटूँ या कुछ आंखें दिखाऊँ, काशिफ इसको प्यार करते हैं। मैंने कहा ऐसे तो ये मेरे खिलाफ हो जाएगा काशी। अच्छा, ये बोलेगा मम्मा डांटती रहती हैं हर वक्त, और बाबा जो है ना वो प्यार करते हैं। सो ये इनके नखरे वैसे भी होते हैं, जब भी जो है ये आते हैं ना नानों के घर पे, इनके नखरे स्टार्ट हो जाते हैं। ये जो बच्चा है ना, अब ये हमारे हाथ में नहीं आता, ठीक है, ये बच्चा जो है ना वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। सो इसके साथ मैं कब से खेल रही थी और खेलते खेलते हमारे को हमें पता ही नहीं चला कि ये टाइम हो गया। इस बीच मैंने चाय पी है, खाया है, पिया है, ऐश किया है, एंड आई जस्ट लव दिस मिरर, आई डोंट नो व्हाई। मैं भी अपने घर पे जो है ना, जो मिरर के सारे कॉर्नर्स है ना वो चेंज करवा के ऐसे करवाने वाली हूँ। ये जो है काफ़ी अच्छा मोटा सा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इस काफ़ी जो है ना ये हैवी वाला है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो बस यार यही सीन है सारा, ये चल रहा है जनाब। सो हमारा खाना रात का हो चुका है, डिनर बहुत ही अमेजिंग था, बिरयानी, हलीम और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें थी, मैक्रोनी बनाए हुए थे यम्मी यम्मी से। सो बहुत ही अच्छा हमारा डिनर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने, चाय भी हमने पी ली है, दुनिया जहान की चीज़ें हमने खा ली और पी ली हैं। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो बस ये सारा सीन है, अब हम लोग निकलते हैं और कहाँ जाते हैं आपको दिखाती हूँ। अजान साहब हमारे साथ जा रहे हैं और एज यूजुअल हम जा रहे हैं, हटो मैं अपनी वीडियो में। हाँ सो ओके गाइस, गेरी मैं यहाँ से पूरा नज़र आ रही हूँ ना आप लोग को। सो मेरा नाइट सूट बताएं कैसा लग रहा है, यार मैं वीडियो बना रही हूँ, पीछे कोई चुप ही नहीं हो रहा। और यहाँ जब भी हम आते हैं तो मेरे बच्चा जो है ना, उसको सब या तो बहुत प्यार करते हैं और फिर एक जो है ना स्पेसिफिकली 2-3 घंटे होते हैं जिसमें उसको सब लोग इतना चिढ़ाते हैं, मेरा बच्चा इरीटेट हो जाता है, ठीक है, जद्दो भद्दो खाला उसको इतनी पप्पियाँ झप्पियाँ करती हैं कि वो इरीटेट हो जाता है। और बाकी मामू भी उसको जो है ना इसी तरह, वो देखें पीछे, इसी इधर आओ बेटा, इसी जल्दी आओ, इसी, उफ यार, इसी इधर आओ, इसी इधर आओ, बाबा साथ पिक्चर लेंगे, बाबा यहाँ आए, बाबा आ गए, आए इधर पिक्चर लेते हैं अच्छी सी। A few hours later. सो हम आए थे डिलेजिया और हमने लिया है केक जो कि हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट केक है। A few hours later. Oh my God, so this is delicious cake from Delizia and I am so excited to have this. पता होता मैं तो छुरी पहले ही रख लेती। नहीं छुरी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही खाएं आपको। बस। कैसा है केक काशी? मज़े का है? अच्छा है? Oh yes. ये नहीं कि ज़रा सा बीवी को टेस्ट करवा दे, नहीं। ये बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। सो यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं अजान साहब।
और ये क्या कर रहे हैं कि सबकी जो है ना वो स्लीपर्स उतार रहे हैं। इजी, मैं इन्हीं लोगों को कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है अजान का ये टी शर्ट। यस, मुझे इतना पसंद नहीं है, मुझे प्लेन ज़्यादा पसंद है अजान साहब के ऊपर। सो सीवियो पे हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। अच्छा, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सर्दी सर्दी सी जो है ना कुछ आने वाली है। कुछ एक अच्छी सी सूदिंग इफेक्ट वाली जो है ना वो एक वाइब्स आ रही है, एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, वो मज़ेदार सा जो है ना वो इंजॉय वाला सीन हो रहा है। यस, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस, सो इसके बाद ना मैं हॉट एंड सॉर सूप पी पी के बोर तो नहीं हुई, लेकिन कुछ हमने कहा चेंज करते हैं। सदर का बड़ा मशहूर सूप पीने के लिए हम आ गए थे, इसी तरह से हमारा दिन गुजरा। बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ सारा दिन शेयर करती हूँ और आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता हो। एक अच्छी सी बॉन्डिंग बन रही है हमारे बीच। ओ माय गॉड, फैमिली हो गए हैं हम। थैंक यू सो मच यार, और इसी तरह से आप लोग मुझे यू नो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, कॉमेंट्स करते रहें एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, लाजमी लाजमी लाजमी। एंड यस, अ फ्यू आवर्स लेटर। हे गाइस, इस तरह से हमारा गुजरा आज का पूरा दिन और अब मैं घर पर आ गई हूँ, चेंज कर लिया है, फ्रेश हो गई हूँ और काशिफ कह रहे हैं कि मुझे चाय पिला दो अच्छी सी बना के। सो बस अब चाय बनाती हूँ उनके लिए और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी हर बार की तरह इस बार भी कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर दें यार। मतलब आजकल ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई। सब वीडियोज़ देखते हैं लेकिन क्या होता है कि भूल जाते हैं ना, लेकिन आप लोग तो नहीं भूल सकते है ना। तो राइट बटन प्रेस कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। एंड यू नो सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको सारी नोटिफिकेशंस भी मिल जाती हैं और पता भी चल जाता है। सो यस, रखिएगा अपना बहुत ख्याल, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।